वेलकम टू आर्या करियर एकेडमी। आज हम लोग 17 फरवरी 2017 का मैथ का मेंस का पेपर डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 111 होल नंबर। तो सबसे पहले होल नंबर को देखते हैं। होल नंबर होता क्या है, जीरो से चालू होगा और ये 110 तक जाएगा, क्योंकि 111 तक, तो जीरो को कंसीडर करेंगे तो 110 तक होगा। ठीक है, जीरो एक होल नंबर होता है। सम का फार्मूला होता है एन एन प्लस वन बाई टू। तो अब देखिए 110 इंटू 111 डिवाइडेड बाई टू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 55। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 55। तो 5 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 5 ही आएगा। तो यूनिट डिजिट कितना हो गया, 5 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाउ मेनी 100 डिजिट पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर्स आर देयर। तो देखिए एक बॉक्स देख लीजिए, इस तरह बॉक्स बना लीजिए, और देखिए ये 100 बॉक्सेस हैं टोटल। तो पहला में 0 से 9 तक को हम लोग कितने कितने तरीका से लिख सकते हैं, 9 तरीका को 9 तरीका से। ठीक है, उसके बाद ये 10 10 को 10 से, फिर 10 को 10 तरीका से, ये 99 तक चलते जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 इंटू 10 पर पावर 99। तो ऑप्शन क्या है, 1। थर्ड देखते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में डायरेक्ट देखिए, इसको 56 इंटू 36 बाई 1000 लिख लीजिए, अब प्लस 42 इंटू 32 बाई 1000 लिख लीजिए, पॉइंट हटा दिए, 8 इंटू 21 बाई 100 लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है और 7 कॉमन आ रहा है ऊपर से, देख लीजिए दोनों टर्म में कॉमन ले लीजिए और 1000 कॉमन ले लीजिए, तो कितना बच जाएगा आपको, 36 बच जाएगा और इधर हो जाएगा 24 बच जाएगा, और डिवाइडेड बाय 8 इंटू 21 बाई 100। तो ये 100 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 7 से 3 जा, और ये 10 जो है यहाँ पर आ जाएगा नीचे में, तो ऊपर में हो जाएगा 60 और नीचे में हो गया 30, ये 10 नीचे आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2 आंसर हो गया इसका। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC का। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हो गया ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखे हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC, इसको हम लोग फार्मूला में कन्वर्ट किए हैं। तो इसको अगर हम लोग ये फार्मूला लिख सकते हैं तो ऊपर में क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और नीचे में देखिए 1.35 तो है ही, छोड़ दीजिए इसको, अभी लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे में देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ऊपर में ये दोनों क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब देखिए बचा क्या, ए प्लस बी प्लस सी, तो 1.2 प्लस 0.8 प्लस 0.7 ऊपर में हो गया ए प्लस बी प्लस सी, और नीचे में 1.35 बच गया, तो 1.35, तो ये क्या हो जाएगा, 2.7 डिवाइडेड बाई 1.35, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, आंसर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यूनिट डिजिट पर बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है सीजीएल में, हम एक चीज़ बता देते हैं आपको, 413 को 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 1 चरती है 12, बचा कितना है, एक रिमाइंडर, एक रिमाइंडर बच गया ना, 4 को 413 को 4 से डिवाइड करते हो, एक मर्त में यहाँ पर खत्म हो गया 13, 2 3 मर्त में 12, ये एक रिमाइंडर बचा। तो उसी तरह इसको अब एक चीज़ देख लो, देखो ये 412 यहाँ पर एक बचा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 7। उसी तरह जब सारे को सॉल्व करके मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम आपको एक फॉर्मेट बताएंगे। देखिए इसमें दो इक्वेशन इन्वॉल्व है, एक ये और एक ए। तो पहले हम छोटा वाला को देखते हैं, 1 × 4 प्लस 1 × 4 × 7, ठीक है, प्लस 1 बाई 7 × 10
अप टू 10th टर्म, क्योंकि 20 टर्म तक निकालना है, तो 10 इसका सीरीज का, 10 इसका सीरीज का। नीचे में देखो एक फॉर्मेट बन रहा है, 1, 4, 7, 10, ये 10 टर्म तक। ये एक एपी है, तो एपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 28। अब देखिए एक चीज़ और हम आपको बताते हैं, क्या हो जाएगा, 28, 10th टर्म हो गया। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, लास्ट में लिखिएगा ना 28 इंटू 29, इस तरह करके। अब एक चीज़ बताइए, 1 इंटू 1 प्लस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 1 माइनस 4 भी तो लिख सकते हैं, इसको 3/4 भी तो लिखा जा सकता है इस चीज़ को। तो 3/4, ये ऊपर में 3 तो आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक 3 से डिवाइड कर देंगे, 1 माइनस 1/30, ठीक है। क्या करेंगे, 1 माइनस 1/31 होगा लास्ट टर्म, तो 1/3, 30/31, तो 30/93, ये एक टर्म आ गया। उसी तरह 1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1/3 इंटू 5 इंटू 7, ये 10 टर्म तक जाएगा। तो 1, 3, 5, 7, 9, ये एक सीरीज में है, तो इसका भी हम लोग 10 टर्म निकालेंगे। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डू, इसका 19 हो गया। इसी तरह इसका भी निकाल लेंगे फॉर्मूला से, और उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 60701497/14973, ठीक है। आप देख लो 3 का मल्टीपल भी होगा ऊपर में, 93 का नीचे में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डेप्थ में कर लेते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और आएगा, उसको हम नहीं कराएंगे, उसको आपके लिए छोड़ देंगे। एकदम सेम पैटर्न पर दोनों क्वेश्चन हैं, 1/5। इस चीज़ को हम लोग, ये क्यूब को 1/3, 1/4 ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम 3, 4 और 2 का कितना हो जाएगा, 12। तो 1/3 से 12 को काटेंगे 4 मर्त में, 1/29 को 4 से काटेंगे 3 मर्त में, और 1/5 को 2 से काटेंगे 6 मर्त में। तो एक चीज़ याद रखो आप, कि इसमें क्या है, इसमें सत्य कौन सा है, तो 1/5 सबसे बड़ा होगा, उसके बाद 1/12, उसके बाद 1/29। ऐसा हम डायरेक्ट क्यों बोल रहे हैं, इसको हाँ सॉल्व तो करना पड़ेगा आपको, मगर हम बोल इसलिए रहे हैं क्योंकि जब ये देखो 29, जितना सबसे जितना बड़ा अंक नीचे में उतना ही छोटा नंबर, डायरेक्ट हमको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा नंबर है तो सबसे छोटा यही होगा, तो सबसे छोटा 29, थर्ड वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा, ठीक है। 29 सबसे छोटा होगा, इसलिए कि सबसे बड़ा नंबर नीचे में है। देखिए, एन इज द लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 6, लिव्स द रिमाइंडर 1, 2, 4 रिस्पेक्टिव, व्हाट विल द रिमाइंडर व्हेन एन इज डिवाइडेड बाय 5। तो इस टाइप के क्वेश्चन का सबसे बेहतरीन तरीका, एक नंबर कंसीडर कर लीजिए, खुद थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपको पता चल जाएगा कौन सा नंबर होगा, ठीक है। एलसीएम लीजिएगा, उसके इर्द गिर्द का नंबर होगा, या फिर आप तीनों नंबर का देखते जाइए कि मल्टीप्लीकेशन करके एक नंबर, ये प्रैक्टिस ही आपको हो सकता है। तो देखिए 34 कंसीडर करते हैं, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। 34 को यदि 4 से करते हैं तो 2 रिमाइंडर हो जाएगा, और 34 को 6 से करते हैं तो 4 रिमाइंडर हो जाएगा। इसके मतलब कि ये तीनों पर सेटिस्फाई कर रहा है, तो 34 मेरा नंबर है। अब बोला है कि जब उसी नंबर को, एन नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका 4 हो जाएगा रिमाइंडर, तो ऑप्शन 1 आंसर हो गया इसका। अब देखिए, ये बोले थे सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है, जो पहले इसके पहले क्वेश्चन कराया था, उसी तरह एलसीएम लेके आपको इसको सॉल्व कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आंसर बताना नहीं भूलिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ए प्लस बी प्लस ए बी बराबर 65। अब देखिए ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ए को हम कुछ मानते हैं 10, इसको क्या मानते हैं 5। हम सॉल्व करने से ज़्यादा इसको तकलीफ में होगा, हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कीजिए। तो 10 इंटू 5 यहाँ पर क्या हो गया 50, तो 50, 60, 65 दोनों सेटिस्फाइड हो गया। तो ये दोनों का डिफरेंस ही तो पूछा है, तो कितना हो गया 5, तो आंसर क्या हो गया 5। देखिए ये भी, ये क्वेश्चन जो है आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए,
एन प्लस वन बाई एन एन प्लस वन बाई टू का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए, अब सबसे पहले एक से तीस तक का निकालिए, तो तीस तक का निकालिएगा, तीस तीस इंटू इकतीस डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर, और उस तीस में से चौदह तक का घटा दीजिए, तो ठीक है, चौदह इंटू पंद्रह बाई टू का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, अब वो आएगा 111672। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 36 का रूट है तो यहाँ से क्या बाहर आएगा, 6, तो इसमें 6 जोड़ देंगे तो ये 256 हो गया। तो 256 किसका रूट है, 16 का, इसमें 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1296, कितना हो जाएगा, 1296। अब 1296 किसका रूट है, 1296 36 का रूट है। अब फिर 36 इसमें जोड़ देंगे तो 6 7 576, और 576 किसका रूट है, 24 का रूट है। ठीक है, 576 तो यहाँ से 24 जोड़ देंगे, तो अब देखिए 4600 में जब 24 जोड़िएगा तो 4624 हो जाएगा, ये किसका रूट है, 4624। तो अब देखिए ऑप्शन से ही यदि आपको ये नहीं पता है, आपको ये तो पता चल गया कि 4624 का रूट जो होगा वही आंसर होगा, तो ऑप्शन से देख लीजिए ना, 9 से 9 का 99 1 आएगा इसका, यहाँ पर 4 आना चाहिए, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, 2 दुनी के 4, और 8 से 28 64। तो आप जब देखो 72 और 68 का दो ऑप्शन तो ख़त्म हो गया, ये दोनों का देख लो सॉल्व करके, तो इसका आंसर हो जाएगा 68, 68। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो, तो निकालना है 3y² प्लस x² प्लस z² बाई 2y² माइनस xz। देखिए जेड को हम लोग क्या करते हैं, जीरो, तो जेड को जीरो कर देंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, 3y² प्लस x² बाई 2y², और देखिए इसको वन कंसीडर कर लेते हैं, इसको माइनस वन कर लेते हैं, तो वन माइनस वन जीरो हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 3 - 1² 1 प्लस 1² 1, और नीचे में -1² 1 ही होगा, तो 2 × 1, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 4/2, तो आंसर क्या हो गया, 2। देखिए ये चीज़ जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता होना चाहिए, पी क्यू बराबर 1 है तो क्यू बराबर 1/p होगा, और पी बराबर 7 + 4√3 दिया हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब इसको हम लोग पी को यहाँ पर लिख के उस कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो क्यू का वैल्यू 1 - 4√3 हो जाएगा। अब आप ये देखना चाहोगे तो देख लो एक बार, 1/4 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 - 4√3 है, ऊपर नीचे 7 + 4√3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 7 - 4√3 और 7 + 4√3, तो ये 1 हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, 7, ये प्लस है ना, तो प्लस यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 7 - 4√3, तो ये ख़त्म हो गया, तो पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा, 14, ये एक नंबर आ गया। हमको निकालना क्या है, 1 + p² + 1/q² तो इसको सॉल्व करेंगे तो q² + p² डिवाइडेड बाई p² × q² ये लिख सकते हैं हम लोग, जो निकालना है उसको हम लोग सॉल्व किए। तो अब देखिए हमको p प्लस q पता है और p² + q² हमको निकालना है, तो यहाँ से जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे 2pq = 196, ठीक है, तो देखिए 196 और पी क्यू का वैल्यू हमको पता है कि 1 है, तो माइनस 2 कर देंगे इधर लाके तो 194, तो p² + q² का 194 हो गया, और पी क्यू का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 194 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन 2।
देखिए इस ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। अब सारा क्वेश्चन आपको आसान तो देगा नहीं। ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 9a प्लस 1, प्लस 1 नहीं है, इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए इसमें आप क्या करो, a से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा दोनों साइड ए फोर 3a³ प्लस 9a² इक्वल टू 1। ठीक है, और एक बार इसको इंटू 3 से मल्टीप्लाई करो ताकि ये सब सारा टर्म तो खत्म होना चाहिए ना, ठीक, तभी तुमको आएगा। तो ये आपको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3a³ प्लस 9a² 27a इक्वल टू 3। इसमें फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए माइनस कर दीजिए सारा को इससे, इस इक्वेशन से, तो ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, तो बचा कितना, a⁴ माइनस 27a। ठीक है, इसको भी a से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर a होगा। ठीक है, इक्वल टू माइनस 3 प्लस a। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, a⁴ प्लस 3 इक्वल टू 28a। अब देखिए a⁴ प्लस 3 इक्वल टू 28a को a से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा a³ थ्री बाई ए, यही तो निकालना था हम लोग को, a³ प्लस 3 बाई ए, और ये a ख़त्म हो जाएगा, तो 28 इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये भी क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है, आपको फार्मूला अगर याद होगा तो ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट लेगा, प्लस जेड 2 से 3 सेकेंड लेगा, मिनट लग जाता तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा समय भाई, देख लीजिए। फार्मूला पहले याद होना चाहिए, फार्मूला लिख देते हैं उसके बाद वैल्यू पुट कर देना है बस, ये सब वहाँ पर लिखना भी नहीं पड़ता है, डायरेक्ट सॉल्व किया जा सकता है। देखिए फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड एक्स का वैल्यू कितना है, 13 माइनस 3, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया है 1, तो इन टू 1 हो गया। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 1, ठीक है, एक्स वाई जेड का भी वैल्यू 1 ही है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस 3 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया 10, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस 1 बराबर माइनस 3, ठीक है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9, तो ये कितना होगा 3, तो माइनस 3 इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो ऑप्शन हो गया 4 आंसर इसका। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6/5 दिया हुआ है, और नेक्स्ट दिया हुआ है बी प्लस सी बाई ए इक्वल टू 9/2। इसको कुछ नहीं करना है, बस कौन से, देख लीजिए ए का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, सी का वैल्यू कितना है 5, तो 5 लिख दीजिए। अब यहाँ पर बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तब 9 हो जाए, तो यह 4 होगा तो ये 9 हो जाएगा, और बी का वैल्यू यहाँ पर 4 हो गया तो ये 4 2 6 हो गया, मतलब सेटिस्फाइड हो रहा है सारा इक्वेशन। तो अब ए का वैल्यू क्या है 2, सी का वैल्यू क्या है 5, और बी का वैल्यू क्या है 4, तो ये क्या हो जाएगा 7/4 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए इस चीज़ को आप देखो, पी सबसे पहले एक मिनट ये देख लो, आप देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3 1 प्लस एक्स वाई जेड। अब इसमें हम क्या करते हैं, दो टर्म को जीरो कर देते हैं, जेड को जीरो कर दिया, वाई को जीरो कर दिया, तो ये जीरो हो गया, तो हमको निकला कितना एक्स क्यूब बराबर 3, ये निकल गया हमको। अब देखिए अब पी का वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो पी बराबर वाई प्लस जेड प्लस एक्स, तो वाई जेड तो जीरो है,
तो माइनस एक्स हो गया, क्यू का वैल्यू वाई जेड को हम लोग जीरो कर दिए हैं तो वाई और जेड जीरो हो गया, तो क्यू का वैल्यू एक्स हो गया। आर का देखते हैं, वाई और जेड को जीरो कर दिया तो एक्स हो गया, ठीक है। तो पी का वैल्यू माइनस एक्स, क्यू का वैल्यू एक्स और आर का वैल्यू एक्स निकला। तो अब हम लोग को निकालना क्या है, पी क्यू प्लस क्यू का क्यूब आर का क्यूब माइनस थ्री पी क्यू आर, ये हम लोग को निकालना है। अब पी का वैल्यू क्या है, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब, क्यू का एक्स क्यूब प्लस आर का एक्स क्यूब माइनस थ्री। पी क्यू आर का वैल्यू क्या है, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर का तीनों का वैल्यू एक्स 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 है माइनस में, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा थ्री एक्स क्यूब, तो ये माइनस प्लस खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, फोर एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, थ्री, तो फोर इंटू थ्री क्या हो जाएगा, बारह आंसर। देखिए इसमें इसमें भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें सिमेट्री यूज होगा, मतलब बहुत ही ये क्वांटम कैट में डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वहीं से उठाया गया इसको। अब क्या कीजिए ना, एक्स वन बराबर एक्स टू बराबर एक्स थ्री बराबर फोर पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौंसठ, चार 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 आठ बार सोलह, ये क्या हो गया चौंसठ, मतलब कि ये दोनों चौंसठ चौंसठ बराबर हो गए, तो मतलब वैल्यू सेटिस्फाइड कर गया। तो देखिए हमको निकालना क्या है, वन बाई टू प्लस एक्स वन, वन बाई टू प्लस एक्स टू, वन बाई टू प्लस एक्स टू। तो वन बाई टू, एक्स वन का वैल्यू क्या है, चार, सबका वैल्यू चार है, तो वन बाई टू प्लस फोर, वन बाई टू प्लस फोर, तो वन बाई सिक्स प्लस वन बाई सिक्स प्लस वन बाई सिक्स इक्वल टू थ्री बाई सिक्स इक्वल टू वन बाई टू। अब देखिए आपको इतना, ये जो हम ये सॉल्व किए हैं इसको एग्जाम में इतना सॉल्व करना है नहीं, आपको पता हो गया कि सिमेट्री यूज हो रहा है, तो आपको पता चल गया कि एक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो वन बाई फोर प्लस टू वन बाई सिक्स आ रहा है, टर्म कितना है तीन, तीन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीन दूनी के छः, वन बाई टू आंसर। तो ये प्रोसेस से आप बच गए, इसको करने में मैक्सिमम कुछ लगेगा ही नहीं, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री का वैल्यू फोर है तो वन बाई सिक्स आया, एक दो तीन टर्म है, तीन से मल्टीप्लाई कर दिए, वन बाई टू आंसर हो गया। दो विश्वास देखते हैं, देखिए अब इसमें देखिए एक चीज़, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कुछ बता देते हैं, इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये होता है इक्वेशन, और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और अल्फा डॉट बीटा बराबर सी बाई ए। तो देखिए इस इक्वेशन में निकालोगे अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा वन, और अल्फा डॉट बीटा क्या हो जाएगा वन। हमको निकालना क्या है, क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए क्यूब रूट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, तो वन का क्यूब वन ही होगा, माइनस थ्री अल्फा बीटा का वैल्यू वन है तो वन ही होगा, अल्फा बीटा का वैल्यू वन है तो वन ही होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस टू आ गया। अब देखिए इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है, अब इक्वेशन आप लिखना होगा, तो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर, तो माइनस है तो यहाँ पर टू एक्स, और प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये हो गया आपका इक्वेशन, ऑप्शन ए आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, पहले सेकंड वाले टर्म को लिख देते हैं, थोड़ा सा आराम हो जाएगा, 126, ये पूरे टर्म को हम लोग तीन से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो जब इसको थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो 9x, 5 थ्री जा 15y, सती लिखे 21z, और 49 थ्री जा कितना होता है 147। अब माइनस कर दीजिए सारे को, तो आप देखो x गया y गया माइनस 7y इक्वल टू माइनस 21, तो यहाँ से y बराबर 21/7, सती लिखे 21, थ्री आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए एक चीज़ आप बताइए, इसका आप लोग सॉल्व कीजिए, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है इस क्वेश्चन में,
305, थ्री पेन प्लस फोर बुक प्लस टू फाइल इक्वल टू 145। देखिए इसमें निकालना हम लोगों को क्या है, तीन इक्वेशन तीन अननोन है। तो अब आप देखिए, आप इसको किसी तरह भी सॉल्व कर लो, किसी तरह भी सॉल्व कर लो, तीनों इक्वेशन या तो अलग अलग निकालने के लिए आपको तीन इक्वेशन देना पड़ेगा, तो इसका नन ऑफ दीज आंसर होना चाहिए। मगर एसएससी के अनुसार 465 आंसर आ रहा है। अगर आपको इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन पता हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना या इसका सॉल्यूशन करना ना भूलिए। इसको इस क्वेश्चन को क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ए ट्राइंगल ए बी सी, ये ए बी सी हो गया, ए 90 डिग्री है, ए बी सी ये 90 है और सी 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। तो हम लोग टेन 60 बराबर क्या जानते हैं, ए बी बाई ए सी। टेन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/1 ए बी बाई ए सी। इसका √3 हो गया, इसका 1 हो गया, तो पैथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल टू द साइड ए बी। तो साइड ए बी का तो आपको √3 पता चल गया, अब सर्कम रेडियस का हमको पता करना है। तो सर्कम रेडियस पहले बना लेते हैं। तो आप एक थ्योरी है, सर्कम रेडियस जो होता है राइट एंगल ट्राइंगल का हेप्टेन्यूज का आधा होता है, तो ये टोटल 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा रेडियस 1, तो 1 हो जाएगा, तो 1:√3 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, इसका हर एक साइड 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी इज द मिड पॉइंट, तो ये मतलब पी मिड पॉइंट है, तो ये 4 है तो 2 2 हो गया। साइड ए डी, पी इज द मिड पॉइंट ऑन साइड ए डी, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ बी पी, बी पी प्लस पी सी का वैल्यू निकालना हमको। तो आप बताओ ये जो होता है स्क्वायर, इसमें एंगल जो होता है ये 90 डिग्री का होगा, ये एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल की नहीं, ये 2 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा √20, ये भी √20, ये भी √20, तब पी सी प्लस पी बी इक्वल टू √20 प्लस √20, तो क्या हो जाएगा 2√20। तब 2√20 को क्या लिख सकते हैं, 2√5 भी, मतलब 20 को क्या लिख सकते हैं, 2√5 भी लिख सकते हैं, तो 4√5 आंसर हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, 1, 4√5। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद और भी 25 क्वेश्चन का नेक्स्ट स्लॉट भी अगले दिन डाल देंगे हम। तो देखिए इसमें दो ट्रायंगल है ए बी सी पी क्यू आर, यहाँ से मीडियम बोल रहा है ड्रॉ किए हैं ए डी बी सी पर और पी एस क्यू आर पर। तो अब बोला ये दोनों सिमिलर हैं, ये 2 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, तो अब बोल रहा है कि बी डी बाई क्यू एस का होल स्क्वायर निकालने के लिए। तो देखिए एक चार सिमिलैरिटी का मतलब ही होता है कि सब बराबर होना। आप देखो सिमिलैरिटी अगर देख लेते हो तो करोगे तो इसको आ जाएगा 4/9, डायरेक्ट सिमिलैरिटी में ये चीज़ होता है। तो आप इसको यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करो ना, आप ले लो ए बी डी और पी क्यू एस ट्रायंगल ले लो, तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी डी बाई क्यू एस लिख सकते हैं सिमिलैरिटी से। ए बी का वैल्यू क्या है 2, पी क्यू का वैल्यू क्या है 3 और बी डी बाई क्यू एस, तो हमको बी डी बाई क्यू एस का ही तो निकालना है, तो इधर भी स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये 4/9 डायरेक्ट आंसर हो गया। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।